दोस्तों, आज ये मैंने जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये बहुत ही ट्रेडिशनल और मेरी मदर की फेवरेट रेसिपी है जो झटपट ही बन जाती है। इसको बोलते हैं रेडू, और ये बस देखते देखते बन जाती है। और ये देखिए, इसके बीच में मैंने डाला है आज पकौड़े की जगह पर चीला। दोस्तों, ये झटपट ही बन जाती है और ये पूरे नॉर्थ में इसको रेडू बोलते हैं, और कहीं पर इसको दही अदरक की सब्जी भी बोलते हैं। ये मैंने बिना प्याज लहसुन के बनाई है आज, और इसी की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही स्वाद और बहुत ही झटपट बनने वाली, कभी भी मेहमान आ जाए तो बस देखते देखते बातों बातों में ही बन जाती है। रेडू मेरी माता जी का फेवरेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज इसकी रेसिपी बनाना, जो कि एक तरह से लॉस्ट रेसिपी है। हाँ, थोड़ा सा इनोवेशन किया है मैंने इसमें। क्या इनोवेट किया है मैंने, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो बस शुरू करते हैं आज की रेसिपी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं शेफ राजेश दिल से। दोस्तों, आज जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरी मदर की बहुत ही फेवरेट और झटपट ही बनने वाली ऐसी सब्जी है जो कि बहुत ही फटाफट बन जाती है। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं पड़ते हैं, सिर्फ दही और हल्के से बेसन से। बेसन थोड़ा सा इसलिए कि दही को थोड़ा सा बाइंड कर ले, अदरवाइज वो तो बेसन भी नहीं डालती थी, पर मैं इसलिए बेसन डालता हूँ थोड़ा सा, ताकि ये दही जो है ना अपना बॉडी मैनेज कर ले, फटे नहीं। इसको हम बोलते हैं रेडू, कई जगह पर इसको बोलते हैं अदरक दही की सब्जी, तो पर मेरी माता जी इसको रेडू बोलती थी। तो आज मैं ये रेडू बनाने जा रहा हूँ, और दोस्तों इसमें कोई प्याज लहसुन नहीं चाहिए, थोड़ा सा करी पत्ता, अदरक, हरी मिर्च और थोड़े से मसाले, बस इतने से ही ये झटपट बन जाता है। डाला और छन्न से बन गया। और बस एक चीज़ की इनोवेशन इसमें करने जा रहा हूँ, आज इस रेडू को मैं फिनिश करूँगा चीले के साथ में। तो बस ये सोच लीजिए, कड़ी की छोटी बहन है बिना बेसन वाली। तो झटपट शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूँ ये चीला, जो कि इसके बीच में पकौड़ों का काम करेगा। तो ये मैंने 3 चम्मच के लगभग बेसन ले लिया है, और जितना मेरे को ज़रूरत है उतना ही मैं यूज़ करूँगा, बाकी सब इसका जो भी लेफ्ट ओवर होगा वो मेरे रेडू में काम आ जाएगा। तो अब इसके अंदर में जाएगा ये थोड़ा सा नमक, हल्दी, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा मीठा सोडा, ये देखिए। और अब जाएगा इसमें ये पानी और सिंपल चीले का बैटर बन जाएगा। मीठा सोडा मैंने डाला है ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से फूल जाए, एकदम सूखा सूखा ना रहे, और इसमें हल्की सी जाली पड़ जाए, ताकि जब मैं इसको रेडू में डालूं तो ये उसको अच्छे से अब्सॉर्ब करके रसीला बन जाए। ये देखिए, और इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दूंगा। मीन टाइम मैं अदरक हरी मिर्च काट लूँगा और बाकी प्रोसेस शुरू करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ। लीजिए दोस्तों, ये मेरा बैटर तैयार हो गया, और इसको 4 से 5 मिनट लग भी गए हैं, और अब मैं इसका झटपटी चीला बनाने जा रहा हूँ। ये देखिए, मैंने एक सैंपल डाला है छोटा सा, और ये देखिए, बहुत धीमी आंच पे बनाइएगा, बहुत तेज आंच पे मत बनाइएगा, नहीं तो ये जल जाएगा। ये देखिए कैसे पैनकेक जैसे बुलबुले आने शुरू हो गए ना इसमें। तो दोस्तों, जब तक ये मेरा ये चीला बन रहा है, तब तक हम अगला काम शुरू करते हैं। मैं अब तड़का शुरू करने जा रहा हूँ रेडू का। लीजिए दोस्तों, जिस बर्तन में मैंने चीला बनाया था उसमें जो भी बेसन लगा रह गया था
इसी को मैं यूज़ करता हूँ। और अब इसमें दिया है मैंने ये एक कटोरी दही, और इनको मैं आपस में ही अच्छे से मिला दूँगा। इसमें बहुत ज़्यादा बेसन नहीं लगता है, बेसिकली तो बेसन लगता ही नहीं है, पर मैं दही फटाफटा ना हो इसलिए इसको ऐसे बना रहा हूँ। और इसी में मैं डाल दूँगा ये थोड़ी सी ही नमक, हल्दी, ज़्यादा ज़्यादा नहीं डालनी है, मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पाउडर एक पूरा टीस्पून भर के। और ये मेरा बेसिक तैयार हो गया। दोस्तों इसको मैं बनाने जा रहा हूँ सरसों के तेल में, बहुत ज़्यादा नहीं डालेगा इसमें सरसों का तेल। ये मैंने ले लिया है कम से कम एक टेबलस्पून से थोड़ा सा कम ही सरसों का तेल लिया है। और अब इसका इसको स्मोक करना है ताकि इसका धुआं निकल जाए। और ये देखिए, बस पता पूछ लिया था इसने मेरा, ये देखिए अब इसको अच्छे से इसका धुआं निकालना है। लीजिए दोस्तों, इसमें मैं थोड़ा सा जीरा और मेथी दाना डाल दूंगा ये, और झटपट ये तड़क जाएगा, तेल ने अपनी धांस छोड़ दी है। और साथ में ये गए मेरे अदरक, हरी मिर्च और ये थोड़ा सा करी पत्ता। बस हल्का सा इसको भूनना है, और ये ज़्यादा नहीं, इसको बस खड़ा खड़ा ही रखना है। ये देखिए इस तरीके से, तेल ऑलरेडी काफ़ी गर्म था। और ये मेरा हल्का फुल्का तड़का साथ के साथ ही झटपट ही तैयार हो जाएगा। और अब जाएगा ये मेरा सारा का सारा इसमें, ये जो मैंने ये बैटर बनाया है ना दही का, बस अब ये इसमें चला जाएगा। ये देखिए एक मिनट, अभी आप कहेंगे ये तो कड़ी बना रहा है, ये तो थोड़ा सा बेसन लगा है, कड़ी में तो काफ़ी बेसन जाता है। और ये रेडू, बस इसको लगातार चलाना है। हाँ, अब इसके अंदर में लगातार चलाने के लिए जो एक ज़रूरत पड़ती थी कि दही कड़ल ना हो जाए, वो नहीं होगा, वो ये जो थोड़ा सा बेसन है ये इसको संभाल लेगा। तो बस ये बस एक उबाल देना है और ये तैयार। तो ये देखिए मेरा चीला कितना अच्छा जालीदार बन के एकदम तैयार। और अब इसके मैं पीसेस काट लूँगा। दोस्तों इसको तो मैं बिना प्याज लहसुन के बना रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इसके अंदर में प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, परंतु मैं इसमें प्याज लहसुन नहीं डाल रहा हूँ। और ये थोड़ा पतली ही रहती है, इसको बिल्कुल कड़ी जैसा गाढ़ा नहीं रखा जाता। तो बस एक उबाल आते ये तैयार हो जाएगी। और मीन टाइम मैं अपने पैनकेक के ये जो चीला मैंने बनाया है इसके मैं पीसेस काट लूँगा। ये देखिए, पीसेस टोटल आपके ऊपर है दोस्तों, कितने बड़े छोटे काटने हैं। ये देखिए, और ये मेरे सारे के सारे पीसेस कट गए हैं मेरे रेडू में जाने के लिए। आप इनको पहले भी डाल सकते हैं और खाते टाइम भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मेरा रेडू फर्स्ट क्लास तैयार। और ये गए मेरे चीले के जो मैंने पीसेस काटे थे वो भी इसमें गए। और ये देखिए, इसीलिए इसको बहुत गाढ़ा नहीं बनाया जाता, पतला ही रखा जाता है ताकि चीले आपस में एक दूसरे को रेडू के साथ में एब्जॉर्ब कर लें। और ये देखिए चीले बिल्कुल पकौड़े के जैसे ही फूल जाएंगे, यानी कि पकौड़े बनाने का झंझट भी नहीं। हालांकि इसमें पकौड़े माताजी कभी डालती नहीं थी, पर मेरे को लगा कि कुछ तो इसमें और बेटर करूँ मैं ताकि ये रेसिपी नेक्स्ट लेवल पर पहुँचे। तो ये मेरा रेडू एकदम तैयार। तो बस थोड़ा सा धनिया और ये हो गया झटपट बनने वाला उनका खाने के लिए तैयार किया।